लोजपा के सह संस्थापक व दिवंगत नेता रामविलास पासवान के नाम से आवंटित दिल्ली स्थित 12 जनपद बंगला से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से बंगला खाली करने का नोटिस चिराग पासवान को दिया गया है, वहीं चिराग ने अपने पिता की प्रतिमा लगाकर एक नई चर्चा को पैदा कर दिया है। वहीं चिराग पासवान ने बंगला छोड़ने से पहले अब यहाँ अपने पिता की एक मूर्ति लगवा दी है और ऑफिस के बाहर रामविलास स्मृति का बोर्ड टंगवा दिया है। बता दें कि रामविलास पासवान की पुण्यतिथि आगामी 8 अक्टूबर को है। चिराग पासवान अपने पिता की बरसी इसी बंगले में करना चाहते हैं। जनपद हाल तब चर्चा में आया जब इसे खाली करने का नोटिस भेजा गया। चिराग पासवान का बचपन भी इसी बंगले में बीता है। लोजपा कार्यालय का आधिकारिक पता भी 12 जनपद ही रहा। इस बीच चिराग ने अपने पिता की बरसी तक इस बंगले में रहने का अनुरोध भी किया है। यह बंगला रेल मंत्री को आवंटित किया गया है। इसे कार्यक्रम की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यह बंगला 1990 से ही रामविलास पासवान के नाम पर आवंटित रहा है, चूंकि यह बंगला सीनियर केंद्रीय मंत्री कोटे का ही है। लिहाजा चिराग पासवान बतौर सांसद इसे अपने नाम से नहीं करा सकते। यह बंगला करीब 30 साल से पासवान परिवार के पास रहा है। चिराग पासवान अपनी माँ के साथ अभी इस बंगले में रह रहे हैं। इस बंगले को अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया है। चिराग पासवान जमुई से सांसद और उनके नाम पर नॉर्थ एवेन्यू में आवास पहले से आवंटित है।